डियर स्टूडेंट्स, सरफेस स्टडी कोर्स में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टुडे आवर टॉपिक इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स या आर रैशनल नंबर, क्योंकि हमारी टीम ने आपसे ये वादा किया था कि आज 8 बजे आपको रैशनल नंबर पर टॉपिक मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू आवर ओन वीकेंड से हम मशगूल थे और कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से हम 8 बजे आपके लिए टॉपिक न दे सके। चलो, इट्स राइट, इट्स वाई सीक देर आए दुस्त आए। सरफेस स्टडी कोर्स में आप सबों को स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो टॉपिक लिखा है रैशनल नंबर। आज 15 तारीख है, 2019 है, चूँकि इस पे लिखा हुआ है CBSE, यानी रैशनल नंबर वो टॉपिक है जो न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में की बुक से आपको मिलेगा, बल्कि आपको CBSE सिलेबस से भी मिलेगा। एंड आल्सो यू कैन फाइंड दिस टॉपिक फ्रॉम NCERT सिलेबस। सो इट मीन्स द टॉपिक इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप लोग इस पर ख्याल रखिए। रैशनल नंबर मीन्स ए नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और वी कैन से वो नंबर जो हम जो लिखा हुआ है या लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी आवर क्यू, पी बाई क्यू। और ये भी याद रखना है कि पी और क्यू ये दोनों इंटीजर होनी चाहिए। वी कॉन्ट कॉल, अगर हम ऐसे लिखेंगे ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई सी, नो, इट डजेंट मीन दैट दे आर द ए डिवाइड बाई बी एंड बी डिवाइड बाई सी इज ए रैशनल नंबर। नो, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी आवर क्यू, बिकॉज हमने बहुत से, मैंने खुद ये देखा, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए टीचर एंड इस पर रो हमने देखा कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, दे गेट कन्फ्यूजन ऑन दिस टर्म कि रैशनल नंबर तकरीबन ये है कि पी और क्यों लिखा है, इट्स अ रैशनल नंबर। नो नो नो, इट्स नॉट रियलिटी। द रियलिटी इज विश इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी आवर क्यू, यानी पी आवर क्यू की ही शक्ल में होना चाहिए। तो पी आवर क्यू शक्ल जो है ये फॉर्म है, यानी शक्ल, ये शक्ल में होना चाहिए। ये पी आवर क्यू रैशनल नंबर नहीं है, यानी रैशनल नंबर should be integers, rational number should be, इसे लिखा भी है where p and q are integers, तो p और q integers होनी चाहिए, लेकिन q zero नहीं होना चाहिए। यानी अगर ऐसे हैं 2 divided by 0 और 2 by 0, तो it is not rational number, 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 it is not rational number। तो rational number जो है, अगर 1 by 2 है, this is rational number, अगर 2 by 7 है, this is rational number। so rational number should be in the form of p or q, p by q, लेकिन ये integers होनी चाहिए। अब एक बार फिर मैं repeat करता हूँ कि p और q की शक्ल में होनी चाहिए, लेकिन ये integers होनी चाहिए। तो integers positive भी होते हैं, we know, integers negative भी होते हैं। यानी अगर कभी रैशनल नंबर ऐसा है, अगर रैशनल नंबर ऐसे है, मिसाल के तौर पर ऐसे रैशनल नंबर है -2/3, इट इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। हाँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने रैशनल नंबर को अच्छी तरह से जाना होगा, यानी आप समझ पा चुके होंगे दैट व्हाट इज़ ए रैशनल नंबर। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है, तो आप ऐसे याद रखिए कि रैशनल नंबर जो है, इट हैज़ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। लेकिन ऐसा है,
For example, 2 divided by 3, it has rational number as well as denominator. यानी ये जो rational number जो है इसका numerator पे sorry it has numerator as well as denominator. लेकिन आपके दिमाग में ऐसा confusion आ सकता है. So एक चीज़ है 2 अगर हम 2 की बात करते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 है इसका कुछ भी नहीं है. Is it a rational number? Yes, it is a rational number. Is it a rational number? Yes, it is a rational number. Because it is denominator is 1. क्योंकि हम जानते हैं जिसका denominator कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है. तो इसलिए confusion होने की कोई ज़रूरत नहीं है. P तो आप ऐसे रखो जो बटा की जो हम कहते हैं यहाँ पे उर्दू में और अपनी ज़बान में भी कहते हैं कभी कभी because we are Kashmiris. तो हम कभी कहते हैं बटा की सूरत में हो. जो बटा की सूरत में हो that is a rational number. अगर बटा किस शक्ल में आए कहते नंबर इट्स नॉट कंपलसरी दैट वी स्पीक ऑनली इंग्लिश एंड वी विल रिमेन आवर टॉपिक विल रिमेन कंटिन्यूसली इन उर्दू. नो कश्मीरी इज़ आवर मदर टंग एंड समटाइम्स आई कैन यूज़ कश्मीरी लैंग्वेज. सो डियर स्टूडेंट्स तो आप लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि रैशनल नंबर जो है ये बटा की शक्ल में होता है और रैशनल नंबर का कभी डिनोमिनेटर नहीं होता है. लेकिन जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसका 1 होता है. अब हम आगे चलते हैं. इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं. वैसे कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है. जिसको स्क्वायर रूट हो दैट्स नॉट क्योंकि इसको जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो पॉइंट में निकलेगा तो वो डिजिट में निकलेगा क्योंकि डिजिट वी कांट से डिजिट डिजिट फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको डिजिट एक डिजिटल नंबर को हम रैशनल नंबर बना सकते हैं. इट्स नॉट मिसाल फॉर एग्जांपल अगर 0.1 है तो हम इसको ऐसे 1/10 बना सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ रैशनल नंबर वी कांट से इट इज़ अ रैशनल नंबर दिस इज द टर्म. ये भी रैशनल नंबर नहीं है. स्क्वायर बाय 3 ये रैशनल नंबर नहीं है. हाँ अगर कभी पाई है पाई का जो वैल्यू है वो 2/7 है दैट्स आल्सो नॉट रैशनल नंबर. ये भी समझा जाता है कि रैशनल नंबर नहीं तो इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं. सो वी कैन से रैशनल नंबर पी और क्यू की शक्ल में होता है और इरेशनल नंबर जो है ये ऐसा नहीं होता है. आई होप कि मेरे बच्चे आप लोगों ने समझा होगा. ये फर्स्ट टॉपिक है. मैं उम्मीद करता हूँ कि हम चूँकि दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक एंड ऑनवर्ड्स यू विल सी देयर नंबर ऑफ टॉपिक्स विल बी रीच्ड टू यू थ्रू दिस सरफेस स्टडी बिकॉज नंबर ऑफ स्कॉलर्स नंबर ऑफ टीचर्स आर ज्वाइनिंग इन दिस टीम. आई हैव मुझे बहुत से कंप्लेंट्स आ रहे मुझे बहुत से कमिटीज आ रहे हैं कि हमें इस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए इस पर चाहिए इस पर चाहिए. चूँकि हम कोशिश कर रहे हैं हर किसी सब्जेक्ट का टीचर मिलना चाहिए एंड वी गेट अ टीचर आफ्टर दैट. क्योंकि सुबह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारे कंप्यूटर पर भी टॉपिक छोड़ना है. टूरिज़म हिस्ट्री 8th का इंग्लिश. मैं जैन के बोर्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत हुई क्योंकि हमने देखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाट वी एंड आवर टीम हैज डिसाइडेड दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल क्यू नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक. वी विल प्रोवाइड यू मटीरियल सो दैट नीडी पीपल एंड द पुअर स्टूडेंट्स विल नॉट बी सफर्ड ऑनवर्ड्स. हमारा मकसद ही है चैनल का कि गरीब लोग जो है जो नादान जो बेचारे गरीब हैं मुफलिस हैं उन तक हमारी ये कोशिश पहुँचे. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.